टू माई चैनल। सो इट्स माई फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12th। सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना डेस्क क्लीन किया। डेस्क नहीं मतलब पूरा रूम ही क्लीन किया था मैंने, क्योंकि उसके एक ही दिन पहले मेरे रूम में कलरिंग का काम हुआ था एंड बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखा था सब कुछ। तो 1 आवर में मैंने ये सब क्लीन अप किया एंड 4 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने वो टास्क नोट किए जो मुझे कंप्लीट करने थे उस दिन में एंड पूरा डे प्लान कर लिया था कि कौन से स्लॉट में कौन सा टास्क कंप्लीट करना है जिससे कि मुझे आसानी हो। सो सबसे पहले मुझे करना था फिजिक्स का लेक्चर एंड देन उसके बाद मुझे शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी थी UND की, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर करना था, नोट्स रीडिंग भी करनी थी 1D के एंड जो 2 हमारे लाइव लेक्चर होने वाले थे वो। सो सबसे पहले मैं बैठ गई थी फिजिक्स का लेक्चर करने के लिए। मैंने एक बार 11th की फिजिक्स पढ़ रखी है, ये मैं 2nd time पढ़ रही हूँ MR सर से एंड ये मैं यकीन बैच से पढ़ रही हूँ। ये मोशन इन 1D का 2nd लेक्चर था। वैसे ग्राफ्स देख के शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि ये अराउंड लास्ट वाला पार्ट ही चल रहा था। 2 आवर्स का ये लेक्चर था लेकिन सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते हैं तो कंप्लीट करते करते मुझे 2 hours and 20 minutes हो गए थे पूरे। एंड वैसे तो मैं लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देखती हूँ लेकिन क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं ना कि नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो ये मैंने लेक्चर कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद 2nd slot में मैं कर रही थी UND की शॉर्ट नोट्स मेकिंग। 1st slot के बाद मैंने वैसे 1 आवर का ब्रेक लिया था एंड देन उसके बाद मैं UND की शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर रही थी। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा कुछ लिखती नहीं हूँ मैं, जनरली वही जो थ्योरी के पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही नोट कर लेती हूँ एंड उसके बाद फार्मूलाज एंड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो क्वेश्चंस के बिना नहीं समझ आते। फॉर एग्जांपल डायमेंशनल एनालिसिस विदाउट क्वेश्चंस नहीं समझ आता है तो उसके एक दिन एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। सो उसके बाद मैंने फिर से 1 आवर का ब्रेक लिया था। सो 9 to 10 मेरा ब्रेक था एंड 10 बजे मैं कर रही थी लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का, मूल कंसेप्ट का लेक्चर कर रही थी मैं सर्वे सर से। संकल्प भारत का लेक्चर था वो, लेकिन क्योंकि संकल्प भारत की बैच मेरे पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम से लेक्चर कर रही थी एंड ये लेक्चर करते करते अराउंड मुझे 2 hours तो हो ही गए थे, बीच में 15 minutes का मैंने ब्रेक ले लिया था तो ये लेक्चर करते करते 2 hours हो गए थे मुझे। 12:14 को ये लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद आई टू अ लंच ब्रेक, लंच ब्रेक मेरा कंप्लीट 45 मिनट्स का था। कंप्लीट 1 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी तो मैं पढ़ रही थी 1D की जो नोट्स है उन्हें एंड साइड बाय साइड जो बुक रखी है उसमें मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रही थी जिससे कि मुझे हेल्प हो। फिर मैंने बीच में 2 to 4 का ब्रेक ले लिया था एंड 4 बजे क्लास थी लेकिन आपको पता ही होगा कि वेबसाइट चल नहीं रही थी। मैंने फ़ोन से भी ट्राई किया था लेकिन ऐप भी नहीं चल रहा था। फिर बाद में यूट्यूब से स्टार्ट हो गया था लेक्चर, 4:15 को स्टार्ट हुआ था लेक्चर एंड फर्स्ट डे में तो जनरली मोटिवेशन ही मिलता है। सो वैसे ही सर भी हमें मोटिवेट कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड 1 hour के लिए सर ने अराउंड मोटिवेशन दिया था एंड देन स्ट्रैटर्जीज भी दी थी कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जो हमें सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। फिर उसके बाद सर ने स्टार्ट किया चैप्टर जो कि था सॉल्वेंट्स। सो सॉल्वेंट चैप्टर के नोट्स भी मैं साइड बाय साइड ही बना रही थी क्योंकि मेरे केस में अगर मैं नोट्स साइड बाय साइड बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग करने में। सो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद जैसा कि आपको पता है 1/2 hour का ब्रेक था बीच में एंड देन 2nd lecture था, लेकिन 2nd lecture करने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। 2nd lecture था बॉटनी का। फिर मैं 2nd lecture करने के लिए बैठ गई। 2nd lecture था विपिन सर का एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। सो मैं विपिन सर का लेक्चर कर रही थी बॉटनी का लेक्चर। सर ने भी हमें मोटिवेट किया, स्ट्रैटर्जीज दी, बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह दिए बच्चों के जो सक्सेसफुल हुए एंड देन उसके बाद सर ने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा रहे थे सर एंड ये था मेरा 12th का फर्स्ट डे। How was your first day of class 12th? Let me know in the comment section. And that was it for today. Milti hu main aapse next vlog mein. Tab tak liye bye bye. Take care and don't forget to like.